मैं सिद्धार्थ राम नगर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबूजी हैं, जिनका नाम शेख कर्नल आर्य है, और मेरी सौतेली सासू माँ है, जिनका नाम कर्मा से धानी है। मुझसे छोटा मेरा एक देवर है, जिसका नाम संदीप है। क्या बताऊँ, जब से मेरे स्वामी मदनपुर के कागज मिल गिरा उठाने के लिए वहाँ से वापस नहीं आए, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और दाहिनी आप भी पड़क रही है, क्या होने वाला है? भगवान मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करना, मेरे स्वामी की रक्षा करना। मेरा देवर संदीप घर पे नहीं है, मैं थोड़ी देर अपने देवर का इंतजार करती हूँ। पहले जब भी घर पे आया करता था, मेरी भाभी माँ मुझे देखती थी और हंस के गलीती लगा लेती थी। लेकिन आज मेरी भाभी माँ के आंखों में आंसू और मैं खिलो रही है। आखिर बात क्या है? ठेके में भाभी माँ से घुसता हूँ। भाभी माँ, भाभी माँ, आप जब से मेरे घर में आई हो, मैं इसके पहले आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा। आज पहली बार आंसू देखा हूँ, इसलिए तुम्हें देवर संदीप की कसम है कि मैं जो कुछ तुमसे पूछूंगा मुझे साफ से बताना भाभी माँ। क्या जानना चाहता है तू? मैं तुझे जरूर बताऊंगा। झलक के तेरे नैनो में क्यों नीर भाभी हुई, कैसी हालत गंभीर भाभी, झलक के तेरे समझ में है आपकी, तेरे भैया की दिया।
नहीं आए मुन्ना, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी सहेली आप भी पड़क रही है, क्या होने वाला है? भगवान मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करे मुन्ना, भगवान मेरे स्वामी की रक्षा करे। हाँ बीबा, मेरे भैया मदद बोले हैं और अभी तक आए नहीं, इसलिए आप रो रही हो। मेरी बात सुनिए भाभी होगा।
मनीषर फोर सिंह, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ भगवान के लिए संजय बाबू। अरे जो बात सत्य है उसे मैं कैसे कहूँ झूठ है, ये बात सत्य है। लेकिन क्या करोगे, फोनी क्या है, किसी का जोर नहीं चलता, फोनी प्रकट होती है, फोनी होकर रहती है। आपको जो कुछ हो रहा था सो हो ही गया, अपने आप को फिर बधाने होगा, अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी माँ को संभालो, नहीं तो ये संदीप रो रहा है। बाबा सिंह तुम अकेले, तुम्हारे सिर में चोट, मेरा बेटा कुलदीप कहाँ है, कहाँ है मेरा बेटा कुलदीप? मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर का गिर गया बुझारे, लेकिन जैसे गंगापुर को पहुंचा सामने से ट्रक आ गई, उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सहित किस जरिया में चले गए वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। मुझे किसी के ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं है,
पवन सिंह के बातों से मुझे कुछ दाम में काला लग रहा है। मेरा सामान पैक करो, मैं मदनपुर को जाऊंगा और देखूंगा कि मदनपुर कागज मिल में आप कैसे लगी और मेरे बेटे का एक्सीडेंट कहाँ हुआ और कैसे हुआ, मैं खुद वहाँ पर जाऊंगा। छोड़ गए